हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ग्लैडिएटर्स क्लब। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी प्रेपरेशंस का फाइनल फेज, दैट इज फॉर द थ्री एग्जाम्स दैट आर कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। अगस्त में हमारे पास आ रहा है CAPF एंड FCAT, एट द सेम टाइम हमारे पास सितंबर में आ रहा है CDS। इन एग्जाम्स को हम प्रिपेयर करने के लिए फाइनल फेज में पहुंच चुके हैं। इसमें हम आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स इन फॉर द मंथ ऑफ द मार्च। मार्च के महीने को मैंने दो वे से आपको करंट अफेयर्स पहुंचाने की कोशिश की है। एक जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बांटे हैं, दैट इज द फाइल दैट आई हैव गिवन टू यू इन द मंथ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी उसी के अंदर ये चीज़ लेके कि सर इसमें अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट में करने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हमें याद रखने में हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ। तो मार्च महीना में शुरू करूँगा और मार्च महीने में मैंने जितना भी करंट अफेयर्स है उसको मैंने डिवाइड किया है दोस्तों इन सारी कैटेगरीज में, जैसे आपके अवार्ड्स हो गए, ऑबिचरीज हो गए, डिफेंस हो गया, पीपल इन न्यूज़ हो गया और अपॉइंटमेंट्स हो गया और ये स्पोर्ट्स हो गया। इस महीने को मैं दो वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ। पहले वाले वीडियोस में जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। सेकेंड वीडियो में मेरे पास मिसलिनियस टॉपिक होगा जिसको मैं कवर करूंगा। ये जो मिसलिनियस टॉपिक है ये वो टॉपिक होता है जो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इट इज़ आस एंड राउंड अबाउट मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम दिस मिसलिनियस कैटेगरी। तो वो सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें मिसलिनियस कैटेगरी में वो सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। एक और चीज़ें इसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम एक और चीज़ लेके आ रहे हैं, दैट इज़ अ क्रैश कोर्स फॉर दीज एग्जाम्स। इन एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। दोज हु आर इंटरेस्टेड काइंडली मैसेज मी। एट द सेम टाइम जो इन बच्चों की तैयारियां हो रखी हैं उनके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, एंड वीकली एंड मंथली मॉक टेस्ट हो रहे हैं। और एक फुल फ्लैश जो मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं वो चलेंगे आपके इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगेन दो स्टूडेंट दोज आर इंटरेस्टेड फॉर दिस मॉक टेस्ट, प्लीज मैसेज मी फॉर दिस। इसके अलावा जैसे ही अगस्त महीना आपका शुरू होगा CAPF के एग्ज़ाम के दौरान थोड़ा सा पहले, मैं आपके साथ एक मंथली मैगजीन भी शेयर करूंगा। उस मंथली मैगजीन का नाम होगा ग्लैडियस। विद ऑल दीज एफर्ट्स वी विश कि हमारा पेपर जो है वो बहुत अच्छा निकले और वी हैव मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स। दोस्तों प्रिपेयर वेल, प्रिपेयर टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड सारे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। क्विकली स्टार्ट करते हैं मार्च इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डील कर रहे हैं CDS NDA FCAT 2023 करंट अफेयर्स। मंथ ऑफ मार्च है और इसका पार्ट वन चल रहा है, सो इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री कमीशन इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस? और ये सबमरीन बेस बना है आपका इधर क्या, नेपाल में, बांग्लादेश में, बहमास में या फिर माली में? द आंसर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश कमीशन इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस इसमें कमीशन किया है अपनी नेवल प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए। अब इसने ऑपरेशनलाइज किया है सबमरीन बेस एट बकुआ इन डिस्ट्रिक्ट कॉक्स बाजार। ठीक है, यहां पर उसने बकुआ डिस्ट्रिक्ट में कॉक्स बाजार में इसने फर्स्ट नेवल बेस बनाया है, तो कौन सा है? बांग्लादेश इज द आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज दैट हैज बीन कंक्लूडेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स जो कि मार्च के महीने के आसपास हुई थी, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायु प्रहार, अस्त्र वॉरियर, गज प्रहार और एयर मार्शल। तो द आंसर इज वायु प्रहार। वायु प्रहार हम काफी दिनों से भी डिस्कस कर रहे हैं कि वायु प्रहार एक्सरसाइज जो है वो आपकी एयरफोर्स और आर्मी के बीच में है और ये कोऑर्डिनेशन के लिए रहती है एक्सरसाइज अमंग डिफरेंट एजेंसीज ऑफ फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसके लिए ये एक्सरसाइज आपकी रहती है। इसके अलावा तो इसमें वैसे भी सोचना ज़्यादा पड़ेगा नहीं यार, वायु प्रहार ये जो एक्सरसाइज है, बाकी कोई भी इनमें से एक्सरसाइज गज प्रहार एयर मार्शल कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। तो आगे चलते हैं। इन विच सी डिड इंडिया एंड यूके होल्ड द जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज एक कोंकण? तो ये दूसरी एक्सरसाइज हुई है हमारी कोंकण एक्सरसाइज। कोंकण एक्सरसाइज अंडमान सी में हुई है, अरेबियन सी में हुई है, रेड सी में हुई है या फिर जावा सी में हुई है? तो ये जो कोंकण एक्सरसाइज है ये कोंकण एक्सरसाइज आपकी अरेबियन सी में हुई है और इसमें INS त्रिशूल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ने पार्टिसिपेट किया था। टाइप 23 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। और ये इंडिया और यूके की एक्सरसाइज हुई थी। और इंडिया और यूके की और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती है? एक अजय वॉरियर होती है और एक कोंकण जो अभी भी हुई है और एक इंद्रधनुष हुई है। ये तो फिलहाल ये तीन एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रोमिनेंट है इंडिया और यूके की। इसके बाद आगे चलते हैं। In which state did Indian Coast Guard ICG conduct a regional search and rescue SAR exercise?
केरला में की थी, आंध्र प्रदेश में की थी, बिहार में की थी और हरियाणा. सो इट वॉज डन इन काकीनाडा आंध्र प्रदेश. तो ये आंध्र प्रदेश में ये वाला पार्ट हुआ था इसका. आगे चलते हैं. विद विच कंट्री इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल INS फ्रिगेट INS सह्याद्री ज्वाइन टू वॉरशिप्स फॉर अ मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज. तो क्या ये मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इनमें से किसके साथ हुई थी? ये मैरिटाइम एक्सरसाइज आपकी हुई थी, सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था विद रिस्पेक्ट टू फ्रांस. तो फ्रांस के साथ एक हमारी मेडन एक्सरसाइज भी हुई थी, उस एक्सरसाइज को भी हमें आगे देखेंगे. आगे आ जाओ. विच कंट्री कंडक्टेड द मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज नेम्ड एज वायु प्रहार? ये क्वेश्चन दोबारा इंडिया, रशिया, नेपाल और स्विट्जरलैंड. सो इंडियन आर्मी एयरफोर्स, आर्मी एंड एयरफोर्स में ये कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज हुई थी. वायु प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज ये हुई थी. वेयर डिड एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर बिकन? ये इंडिया में हुई, यूएसए में हुई, यूके में हुई या फिर इंडोनेशिया में हुई? ये जो एक्सरसाइज है ये रॉयल एयरफोर्स के साथ होती है. लास्ट ईयर हमने इसके ऊपर डाउट था कि ये इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इस इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है कोबरा वॉरियर में. और ये दो बार होती है साल में. एंड इज द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल एयरफोर्स यूके. ठीक है, तो वो यूनाइटेड किंगडम इज द आंसर, कि यूनाइटेड किंगडम के साथ ये हमारी एक्सरसाइज हुई है. बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 कंडक्टेड? एज अ नेम सजेस्ट फ्रिंजेक्स, ये जो आपकी चल रही है ये चल रही है फ्रांस और इंडिया के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज. तो ये फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज उसके बीच में हुई. अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क लाइक इन विच सिटी डिड फ्रिंजेक्स 23 इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस? इनमें से किस शहर में हुई थी? ये हुई थी आपकी ज्वाइंट फर्स्ट, इट्स द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नॉट मिलिट्री एग्जैक्टली बट इट्स कंसिडर्ड टू बी सो, तिरुवनंतपुरम में हुई थी. आगे, इन विच स्टेट डिड द इन ज्वाइंट इंडो फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट? अगेन स्टेट केरला. तो इसी एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम फ्रिंजेक्स की हम बात करते हैं तो तीन क्वेश्चन हमने देखे हैं. विच कंट्री हैज ओपन मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? आंसर इज कोलंबिया. ठीक है, कोलंबिया ने इसको ओपन किया है, कनाडा नहीं, कोमोरोस नहीं और क्यूबा नहीं. के जो कोलंबिया कंट्री है आपका, कोलंबिया इज इन द साउथ अमेरिका और ये जो पनामा कैनाल है, पनामा है कंट्री है, इसी के बिल्कुल मुहाने पे कोलंबिया है. कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा. कोलंबिया के साथ वी हैव इक्वेडोर, वेनेजुएला, ब्राजील, ब्राजील जिसकी कैपिटल ब्राजीले है, पेरू. ठीक है, ये इसके साथ टच होते हैं कंट्रीज. वेनेजुएला के आगे आपके गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सुरीनाम वगैरह आते हैं. फ्रेंच गुयाना से यूरोपियन यूनियन जो है अपने स्पेस में जितने भी रॉकेट्स हैं वो लॉन्च करता है. आगे आ जाओ. वेयर डिड इंडियाज नेवी थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज फॉर 2023 ट्रॉपेक्स कल्मिनेट आफ्टर रनिंग फॉर 4 months फ्रॉम नवंबर 22 टू मार्च 2023? तो ये ट्रॉपेक्स एक्सरसाइज जो 4 महीने से चल रही थी ये कहाँ पर कल्मिनेट हुई? पैसिफिक ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में या फिर इंडियन ओशन में? तो आंसर इज ये अरेबियन सी में कल्मिनेट हुई थी. ठीक है, द ओवरऑल एक्सरसाइज कंस्ट्रक्ट इंक्लूडेड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल एंड एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स. तो ये दोनों जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं वो इसी के अंदर आएंगी. टुगेदर दीज एक्सरसाइज ऑल्सो विटनेस सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड तीनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. तो ये एक और एक्सरसाइज है दोस्तों इंपॉर्टेंट, हमारी ट्रॉपेक्स जो कि मार्च में कल्मिनेट हुई थी. ये कौन कौन सी दो एक्सरसाइजेस को मिला के बनता है वो भी हमने देख लिया, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो हमने देख लिया, और किस सी में ये बनती है वो भी हमने देख लिया. विच स्टेट यूटी डिड इंडियन आर्मी इंस्टॉल टॉलेस्ट आइकनिक नेशनल फ्लैग? किस स्टेट में इंडिया ने इसको इंस्टॉल किया? मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा या छत्तीसगढ़? मेघालय हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ नहीं. तो इज आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. डोडा एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आइकॉनिक नेशनल बैनर उन्होंने वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया है. उसके बाद हु टुक ओवर द कमांड ऑफ द इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप इन द ईस्टर्न लद्दाख रीजन आफ्टर चाइना रीजन विद चाइना आफ्टर इंडियन आर्मी अप्रूव्ड वुमेन ऑफिसर्स फॉर द कमांड पोस्ट? तो पहली लेडी कौन है वो लेडी ऑफिसर? हर नेम इज गीता राणा. सो कर्नल गीता राणा इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड EME यूनिट नियर चाइना बॉर्डर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनका भी नाम पेपर में आ सकता है. विच कंट्री इज सेट टू मीट द UK एंड US इन सैन डियागो टू फाइनलाइज द अकुस डील? अब अकुस डील है, अकुस डील किस किस के बीच में होती है? अकुस डील चलती है आपकी एक ऑस्ट्रेलिया के बीच में, UK के बीच में और US के बीच में.
तो अगर हम देखें तो इसमें जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हैं एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया भी अगर इसमें होता तो इंडिया का वो क्वाड के अंदर आ जाता, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया यूके सॉरी इसमें यूके भी क्वाड मेंबर नहीं है सो वो नहीं आएगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस तीन कंट्रीज हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को एनहांस करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने की बात कर रहे हैं। और ये किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को यूएस न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देनी है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं दे विल बी गिविंग इट अंडर दिस अकुस। इंडिया इंडो पैसिफिक ओरिएंटेशन मेक्स दिस मेक्स इट एन अलायंस अगेंस्ट चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए है ये। इट विल इन्वॉल्व न्यू आर्किटेक्चर ऑफ मीटिंग्स एंड एंगेजमेंट बिटवीन द थ्री कंट्रीज एज वेल एज द टेक्नोलॉजीज। आगे चलें, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड द फर्स्ट फुली इंडिजिनाइज फ्यूज YDB-60 फॉर द अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGB-60? इंडिया, जापान, पाकिस्तान और नेपाल। एज सिंपल एज इट सीम्स इट इज इंडिया। इट इज द फर्स्ट वेपन ऑफ और एम्युनिशन दैट इनिशिएट्स इट्स फंक्शन इन टॉर्पीडोज, द फंक्शन इज टू एक्सप्लोड। तो फ्यूज है एक जिसका अगर आप निकालते हो तो एकदम से ये वहां पे ब्लास्ट कर जाएगा। फ्यूज में हैव इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल पार्ट, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज, नेमली एज अ आर्टिलरी फ्यूज, हैंड ग्रेनेड फ्यूज और एरियल बम फ्यूज, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फ्यूज है इट इज अ रॉकेट यूज्ड, इट इज अ रॉकेट यूज टू हिट द सबमरीन। तो RGB-16 जो है वो एक रॉकेट है जिसके अंदर YDB फ्यूज 60 यूज होगा। आगे आ जाओ, विच इन विच सिटी डिड इंडिया एंड सिंगापुर एक्सरसाइज इन्होंने की थी बोल्ड कुरुक्षेत्रा। तो बोल्ड कुरुक्षेत्रा इनमें से किस शहर में हुई थी, ये हुई थी आपकी इन जोधपुर एरिया, ठीक है। तो ये 13th एडिशन है कुरुक्षेत्रा एक्सरसाइज का। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज दोस्तों मैं एकदम इकट्ठे कर रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी मैंने आपको दे दिया, ग्लेडियस मैगजीन के नाम पे भी दे दिया। और फिर जो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को देखने चाहते हैं आओ मित्रों साइट पे आओ, और साइट पे आके हम देख लेंगे इसका मॉक टेस्ट दे देके हम इसको याद करके आगे पेपर निकालेंगे। आ जाओ, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वी शार्ड मिसाइल्स? DRDO इज द आंसर, ठीक है। और दीज आर द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, कंधे पे रख के इनको चला सकते हैं। दीज आर शॉर्ट रेंज लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स, दे कैन बी फायर्ड बाय द इंडिविजुअल्स, और इनकी रेंज 8 किलोमीटर तक होती है एंड दे कैन एंगेज टारगेट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर। तो ये भी DRDO ने टेस्ट किया था, इसको भी याद रखिएगा। फॉर विच ईयर द मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज ला प्रोजो कमेंस्ड? तो ये जो कमेंस हुई है 2023 के लिए, और इसमें सारे के सारे शिप्स पर्सनल इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जैपनीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल नेवी एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पार्टिसिपेट करेंगे। बायनियल एक्सरसाइज है, इज कंडक्टेड बाय फ्रेंच नेवी। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी वहाँ पर बुलाया हुआ है इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, जुलाई मंथ में, ताकि वहाँ पे जो परेड है उसको वो ऑनर कर सकें। इंडिजिनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सह्याद्री, तो ये INS सह्याद्री बहुत बार जा रही है और हर जगह यह पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा INS सह्याद्री और INS ज्योति, ये दो इंडियन नेवल शिप, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। सागर परिक्रमा फेज 4 कंक्लूड हुई है, ये सागर परिक्रमा फेज 4 कहाँ पे कंक्लूड हुई है, कर्नाटका में। सो ऑब्वियसली सिक्किम, असम, नागालैंड इनमें नहीं हो सकता, इट वॉज समवेयर इन द कर्नाटका। ये सी वॉयज के लिए है अक्रॉस ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू सपोर्ट फिशरमैन, फिश फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, उनके लिए ये रखी गई है एक्सरसाइज। सागर परिक्रमा 1 जो थी ये 5 मार्च को शुरू हुई थी 2022 को, सागर परिक्रमा 2 23 से 25 सितंबर 2022 को, सागर परिक्रमा फेज 3 फरवरी 18 टू 21, और दिस प्रोग्राम कवर्ड द कोस्टल लाइन और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा, इनको इसने 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है सागर परिक्रमा यात्रा 3 में। आगे चले,
Where will the Africa India Field Training Exercise to be held in India? FINDEX के नाम से ये है. तो इट इज इन पुणे, कोची, विशाखापट्टनम और मदुरै. द आंसर इज पुणे. ठीक है, ये फॉरन ट्रेनिंग नोड ओंद पुणे में ये होगी. ठीक है, सिख, मराठा एंड महार रेजिमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज. विच स्टेट विल गेट द कंट्रीज फर्स्ट मरीना इन बिंदूर? तो ये बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि बिंदूर कहाँ पर है. इट्स इन नागालैंड, कर्नाटका, गुजरात और पंजाब. सो अगर इसकी बात करें तो ये फिर से सिर्फ हमारे पास दो ही ऑप्शन बच जा रहे हैं, या फिर वो कर्नाटका में होगा या फिर गुजरात में होगा. ठीक है, तो वो द आंसर इज कर्नाटका. ठीक है, सो मरीना इज अ स्पेशली डिजाइन्ड प्लेस फॉर द प्लेजर ऑफ स्मॉल बोट्स एंड यॉट्स. इट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिंदूर, उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. तो वहां पर ये लोकेटेड है. इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी? में दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे. नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, किस स्टेट में फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बना है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और असम. आंसर इज असम. हिमंत बिस्वा शर्मा ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, जो कि दमोरा पत्थर लोकेटेड है इन सोनापुर, कमरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम. वहां पर यह है. सेकेंड, इन विच स्टेट वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फर्स्ट चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज एट काजीरंगा नेशनल पार्क? गोवा, काजीरंगा नेशनल पार्क हमें पता है कहां पर है, असम में है. और इसी के साथ अगर हम देखें तो असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है हमारे पास दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, एक है दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, रायमोना नेशनल पार्क. इसके ऊपर मैं आपके साथ क्लासेस में भी बात कर चुका हूँ. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बहुत फर्क होता है. नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी प्रमोटेड टू अ नेशनल पार्क, नेशनल पार्क कैन नॉट बी डिमोटेड टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी, वेयर एज नेशनल पार्क की स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होंगी. इन सारी चीज़ों के साथ हमने डिस्कस कर लिया है. बायोस्फीयर रिजर्व्स के तीन स्फीयर्स आते हैं, कोर, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, तीन जोन्स आते हैं. ये भी हमने डिस्कस कर लिया इन द बायोडाइवर्सिटी. आगे चलें. Which state temple becomes first to induct a robotic elephant for ritual duties? Answer is Kerala. Rajasthan, Punjab, Nagaland, again nahi. The answer will be Kerala. Which state is the Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve located? As the name suggests, it is in Tamil Nadu. This KMTR, जो ये है Tiger Reserve है, ये 1988 में बना था by combining the existing Kalakad and Mundanthurai Wildlife Sanctuary. Kalakad was declared as the first tiger reserve in Tamil Nadu. So, ye Kalakad Mundanthurai was the first tiger reserve in Tamil Nadu. Yahan par it is a catchment area of 14 rivers. So, ye yaad rakhiyega, theek hai, Western Ghats mein hai and it is the catchment area of 14 rivers. It is also the part of Agastya Mallai Biosphere Reserve. और ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये प्रजाति है एक मौत की जो यहाँ पर मिली है. ठीक है, तो ये इस फैमिली से है और ये मिली है. तो यही क्वेश्चन आगे जाके दोबारा मैंने फ्रेम कर दिया कि ये कहाँ पे मिली थी. तो ये जो प्रजाति है मिमियोसीमिया सिलोनिका इज अ मॉथ स्पीसीज बिलोंगिंग टू द सब फैमिली ऑफ दिस. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी याद रखिएगा मित्रों. नाम एक बार दिमाग में, नीड नॉट टू मेमोराइज द नेम, लेकिन अगर नाम इसका दिमाग से निकला हो तो आप पेपर में ठीक कर पाओगे. जैसे इसकी शक्ल है, बहुत ही खतरनाक शक्ल है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट बहुत गहरा है. इन विच स्टेट 246 वल्चर्स स्पॉटेड इन द सिंक्रनाइज सर्वे अलॉन्ग विद द तमिलनाडु एंड केरला? आंसर इज कर्नाटका. कर्नाटका में तो ये वल्चर्स हमें कुछ मिली है. इन वल्चर्स के ऊपर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं एज अ बायो मैग्निफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन
बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है दोस्तों? बायोमैग्निफिकेशन ऐसा होता है कि जब कभी भी हम ऐसा करते हैं कि कोई भी हम पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी हम ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं, वो पौधों के ऊपर हम डाल देते हैं, उन पौधों को कैटल्स खाते हैं। कैटल्स खाने के बाद क्या करते हैं, वो जो केमिकल्स हैं वो कैटल की बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फैट में वो सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही वो फैट में स्टोर होते हैं, तो जब उन वो लाइफ टाइम में कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जितने भी एक जानवर हैं जो कि डेड एनिमल्स पे प्रे करते हैं, ये इसको खाते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इन वल्चर्स की बॉडी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर गए, जिसकी वजह से वल्चर्स की पॉपुलेशन ख़त्म होगी। अब ये दोबारा से वल्चर्स हमें स्पॉट होना शुरू हुए हैं, 246 वल्चर्स हैं जो हमें मिले हैं। और इसमें से भी अगर हम देखें तो 9 वल्चर्स जो हैं इंडिया के नेमली मतलब होम है, वो ये वाले वल्चर्स के नाम हैं, ठीक है, वाइट बैट, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन बियर्डेड, सिनेरस एंड द यूरेशियन ग्रिफन। ये हमारे पास कुछ ऐसे वल्चर्स हैं। और ये वल्चर्स ख़त्म क्यों हो रहे थे, ये ख़त्म हो रहे थे बायोमैग्निफिकेशन की वजह से। सो बायोमैग्निफिकेशन इज़ द स्टिकिंग ऑफ द केमिकल्स अलोंग द फूड चेन, जो फूड चेन में वो ऊपर ट्रेवल करते रहते हैं, तो वहाँ पर ये है। और मोस्ट ऑफ दीज 9 स्पीसीज फेस द डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, और ये एक्सटिंक्शन की कगार पे है। रेड जो बुक है उसके अंदर ये एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में होंगी। रॉन्ग बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल वाइट ब्रैग एंड दिस, ये सारे के सारे जो है शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो है वो शेड्यूल 4 के अंदर आते हैं। तो ये हमें कहाँ मिले हैं, ये हमें कहीं ना कहीं मिले हैं इन कर्नाटका, ठीक है। आगे चलते हैं। विच स्टेट रेज्ड 2 टाइगर्स अंडर रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट इन शिवपुरी माधव नेशनल पार्क। तो अब ये आ गया कि शिवपुरी माधव नेशनल पार्क कहाँ है। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, और इट वॉज नेम्ड आफ्टर माधोराव सिंधिया, द महाराजा ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के एक राजा थे माधोराव सिंधिया, उनके नाम पे इसको बनाया गया था। एंड बिलोंगिंग टू द सिंधिया डायनेस्टी ऑफ मराठास, द पार्क वॉज हंटिंग ग्राउंड ऑफ द मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर। इसको नेशनल पार्क का स्टेटस 1958 में मिला। द सख्या एंड द महादेव सागर लेक्स आर टू ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जोन्स ऑफ द पार्क। दो लेक है, आर ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स सीकिंग रिलीफ फ्रॉम द हीट। तो यहाँ पर टाइगर्स का इशू हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ये बहुत एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन हैं दोस्त आपके पेपर के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ सेकेंड होम फॉर द एशियाटिक लाइन अंडर प्रोजेक्ट लाइन? आंसर इज गुजरात, ठीक है। अब ये बर्दा लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आता है, एक पोरबंदर और एक जामनगर। इट इज करेक्टरिस्टिकली अबंडेंट फ्लोरा और फौना है इसके अंदर, और इसके अंदर मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। फ्लोरा की अगर हम देखें, तो इसमें जितने भी हमारे पास ये इस रीजन में हमारे पास जितने भी हमारे पास पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो सारे के सारे इसमें हैं। फौना में लेपर्ड हो गया, हाइना हो गया, वाइल्ड बोर, वुल्फ, जैकाल, ब्लू बुल, रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पॉटेड ईगल और हॉक वगैरह सारे हैं। इसी के अंदर हमने लाइन को, हमने इसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लाइन के अंदर इनिशिएटिक लाइन्स की हमने बात की है, और उनको कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ पर गिर फॉरेस्ट भी है, जो कि लाइन्स के लिए ही जाना जाता है। विच रीजन इज द रकून डॉग विच वॉज सीन इन न्यूज एंडेमिक टू? रकून डॉग कुछ कुछ ऐसा होता है, कहाँ पर? एशिया में आपको ये देखने को मिला था, ठीक है। और इनको कहाँ मिला? ये वुहान चाइना में, ठीक है। अब ये रकून डॉग किस लिए न्यूज में था? क्योंकि इसको लिंक किया गया था कोरोना वायरस के साथ, ठीक है। तो वहां पर ये मानते हैं कि रकून डॉग्स आर नीदर डॉग्स और रकून्स, ना ये कुत्ते हैं ना ये रकून फैमिली से है, वो एक कैनिड फैमिली से है और क्लोजली रिलेटेड टू द फॉक्सेस। तो ये फॉक्सेस के फैमिली से है, ठीक है, और ये सर्दियों में हाइबरनेट कर लेते हैं, ठीक है। एज पर द एक्सपर्ट्स देर आर 2 स्पीसीज ऑफ रकून डॉग्स, एक ये वाली है द स्पीसीज दैट वॉज इन द वुहान मार्केट, एंड दूसरी ये है जो जैपनीज रकून डॉग है। तो ये जो वुहान मार्केट में ये वाली स्पीसीज है, तो कहीं ना कहीं शक इस पे भी आता है कि ये जो स्पीसीज मिली है ये हो सकता है कोरोना के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो। तो आखिरकार
हो सकता है कि साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया कि जिसकी वजह से हमारे 4 अटेम्प्ट्स गड़बड़ हुए हैं वो कौन सा जानवर था। टू विच एनिमल स्पीसीज डज दामासिलिया बिलोंग? ये जैसे आपको पिक्चर दिख रही है ये डियर फैमिली का है, और इन्होंने ये चीज़ ढूंढने की कोशिश की है कि इसके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है, मंजारनेरेस वैली से इसके हमें फॉसिल्स मिले हैं। आगे आ जाओ ऑबिचुरीज में, ये वो लोग हैं जो कि मार्च के महीने में 205 तो गॉर्डन मोरे हु रिसेंटली पास अवे वॉज अ को फाउंडर ऑफ विच कंपनी। तो ये गॉर्डन मोरे किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, या फिर ये एसोसिएटेड थे, आंसर इज इंटेल, ठीक है, तो वो इंटेल के साथ एसोसिएटेड है। इन्होंने एक बात कही थी जो कि बहुत फेमस है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट वुड डबल एवरी ईयर। 10 years लेटर ही चेंज्ड इट टू सजेस्ट दैट नंबर विल डबल रफली आफ्टर एवरी 2 years। तो हर ये इनकी ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन उल्टा करके भी डाल देते हैं वो कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ठीक है। तो और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है कि हर 2 साल बाद के जितने भी हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं वो IC में डबल होते जा रहे हैं। एनीवेज आगे, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ प्रदीप सरकार हु पास्ड अवे? तो ये प्रदीप सरकार जो है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड थे? ही वाज फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट वाज ही वाज अ डायरेक्टर, ठीक है, जिन्होंने परिणीता या मर्दानी मूवी है उन्होंने डायरेक्ट की थी, एंड ही पास्ड अवे एज एट द एज ऑफ 67। आगे आ जाओ, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ पद्मश्री अवार्डी अभय छजलन हु पास्ड अवे? टीचर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट और राइटर? द आंसर इज जर्नलिस्ट। सो अभय छजलन वॉज एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड चीफ एडिटर ऑफ इंदौर बेस्ड नई दुनिया। तो ये नई दुनिया याद रखिएगा, इसके ये एडिटर थे। आगे, विच कंट्री प्रेजिडेंट नॉमिनेटेड अजय बंगा टू लीड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? USA, यूक्रेन, नॉर्वे और इंडिया? द आंसर इज USA। अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दोस्तों टोटल 189 मेंबर्स हैं जो कि इसके पार्ट हैं, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। तो आपकी एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, ठीक है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 में जो हुई उसके 2 पार्ट्स निकल के आए, एक निकल के आया IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, और दूसरा निकल के आया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप निकल के आया ये सारा का सारा जो है ये इसी का पार्ट है, दैट इज द जिसके अजय बंगा बने हैं। 1944 इसको कहा जाता था एज अ बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और लास्ट में इसको वर्ल्ड बैंक कहा गया। इन्हीं इसी ग्रुप में आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये लोन देता है फॉर द लोन देता है क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA लो और नो इंटरेस्ट लोन देता है फॉर लो इनकम कंट्रीज, तीसरा है इसका इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन, ये प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू द कंपनीज, चौथा आता है इसका मीगा, इंश्योर्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट फॉर द डिस्प्यूट ICSID, ये सेटल्स इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड द कंट्री, इनके ऊपर ये आता है। आगे आ जाओ पीपल इन न्यूज में, इन विच स्टेट इंडियन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट एस अब्दुल नजीर टुक ओथ एज अ गवर्नर? तो ये गवर्नर कहाँ से बने? ये गवर्नर बने आंध्र प्रदेश के, और ये न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ये ओनली मुस्लिम फेस थे जो कि अयोध्या बेंच में प्रिजाइड किया था इन्होंने, जिसमें रंजन गोगोई इस टाइम CJI थे, ठीक है। आगे चलते हैं, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी विल बी द चीफ गेस्ट एट द 8th रायसाना डायलॉग? तो ये रायसाना हिल्स कहाँ पे है? ये रायसाना हिल्स हैं आपके इंडिया में कहाँ पर है? ये जो आपका अरावली वाली रेंज है जहाँ पे दिल्ली में ख़त्म होती है, तो जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वो हल्का सा जो टीला है उसको कहते हैं रायसाना भवन, ठीक है, और उसमें हर साल पे एक मीटिंग होती है और उसके अंदर चीज़ें डिस्कस करते हैं, चैलेंजिंग इश्यूज डिस्कस करते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, और इस बार की जो थीम थी वो थी प्रोवोकेशन, अनसर्टिनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस एंड द टेम्पेस्ट, और उसकी उसी के जो पूरे जो चीफ गेस्ट थे तो वो ये लेडी थी जो कि इटली की थी, और इनका नाम था इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। तो दोस्तों ये आपके साथ चीज़ें आ रही है, इंपॉर्टेंट है। हु वाज इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया?
नाइजीरिया के जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम है बोला टिनुबु, पीटर ओबी, नेसम वाइके और एबीबैट टिनुबु। द आंसर इज बोला टिनुबु। और ये टिनुबु जो है मुस्लिम समुदाय से हैं, सदर्न योरुबा कम्युनिटी से हैं ये, एंड ही इज नोन टू बी द लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल किंग मेकर। तो काफी टाइम से पॉलिटिक्स में, तो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं नाइजीरिया के। नाइजीरिया कहाँ पर है? नाइजीरिया आपका अफ्रीका में है, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में है, नाइजर, चाड, कैमरून, इनके साथ कोस्ट इसके साथ टच होता है। और इस कंट्री की खास बात यह है कि इसकी इन्फ्लेशन डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, समवेयर 21.8। तो इनके पास एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ा इशू इन्फ्लेशन है। 33% पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है, और उसमें से भी 42% जो है वो यंग एडल्ट है। ठीक है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो इनको रिजॉल्व करना है। आगे आ जाओ। फर्स्ट वुमेन हेकानी जखालू बिकेम एन एमएलए इन द स्टेट्स हिस्ट्री। किस स्टेट की हिस्ट्री में ये बने? तो आंसर इज नागालैंड। आगे चले। इन विच कंट्री वॉज वो वैन थोंग इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेजिडेंट? सिंगापुर, वियतनाम, ओमान और फिजी। द आंसर इज वियतनाम। ठीक है, तो ये जो वियतनाम कंट्री है, अगर आप देख रहे हो तो वियतनाम कंट्री आपका साउथ ईस्ट एशिया में आपका पड़ता है, और इसके साथ आपका अगर ये वियतनाम है, वियतनाम में एक रिवर है मेकोंग रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है और चाइना है। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो है इसके साथ टच होते हैं, वियतनाम के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? मेकोंग रिवर, रेड रिवर इंपॉर्टेंट है, डोंग नाई रिवर इंपॉर्टेंट है, साइगोन रिवर, परफ्यूम रिवर, ये परफ्यूम रिवर भी है यहाँ पे, ब्लैक रिवर। ठीक है, तो एक ब्लैक रिवर, एक रेड रिवर, ये दो रिवर्स हैं जो कि वियतनाम की इंपॉर्टेंट है। आगे चले। हाउ मेनी एरियाज हैज नोबल विनिंग राइट्स एक्टिविस्ट एलेस बेलात्स्की बीन जेल्ड इन बेलारूस? कितने साल की इनको सजा मिली है? आंसर है 10 साल। और ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है, और ये बेलारूस की बात हो रही है, तो बेलारूस को एक बार हम मैप पे भी देख लेते हैं। बेलारूस है कहाँ पे? बेलारूस की कैपिटल है मिंस्क सिटी। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको, इन भाई साहब को आप न्यूज़ में आजकल बहुत देखते हैं, वो रशिया का बहुत बड़ा सपोर्टर एंड एलाई है। तो रशिया जितना भी यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, वो बेलारूस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी रशिया ने बेलारूस में भी वैगनर चीफ को भी यहाँ पर रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। और यहाँ पर निकलर उसने अपना आर्सनल रशिया ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो बेलारूस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के साथ आपके बॉर्डर्स कौन से टच होते हैं बेलारूस के साथ? यूक्रेन, जो कि अभी वर्ल्ड वॉर का हॉटस्पॉट है। देन वी हैव पोलैंड, देन वी हैव लुथियानिया, देन वी हैव लातविया, और इस्टोनिया का कोई बॉर्डर टच नहीं होता। देन वी हैव रशिया। तो यहाँ पर लातविया, लुथियानिया, पोलैंड और यूक्रेन, ये कंट्रीज हैं जो कि बेलारूस को चारों तरफ से टच करती हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, 10 ईयर्स की इनको सजा हुई है। विच कंट्री हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड शेख अहमद नवाफ अल सबा एज अ प्राइम मिनिस्टर? किरीबाती, कुवैत, कजाकिस्तान और केन्या। द आंसर इज कुवैत। नवाफ अल अहमद अल जबर अल शबा इज द अमीर ऑफ कुवैत, ये कुवैत के अमीर है। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज हाफ ब्रदर सबा अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, अब ये कुवैत जो है, कुवैत इज ऑल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट कंट्री। कुवैत के अगर आप देख रहे हैं तो कुवैत इज लोकेटेड फार नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ के फार नॉर्थ में कहीं ना कहीं कुवैत लोकेटेड है, लोकली एज द अरेबियन गल्फ। इट इज एस्टिमेटेड दैट 70-75% सुन्नी है यहाँ पर, और ये सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। इसके एक तरफ पड़ता है सऊदी अरेबिया, एक तरफ इराक और एक तरफ ईरान। तो ये सारा का सारा पूरा एक गढ़ है ऑयल का, तो यहाँ पर ऑयल बहुत प्रोमिनेंट है ऑयल। आगे चले। विच कंट्री डिड अरुण सुब्रमण्यम बिकेम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी जज ऑफ द मैनहट्टन फेडरल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट? तो एज सिंपल एज दैट, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो न्यूयॉर्क के लिए है। अगले, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज टू द मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन न्यूयॉर्क? क्वेश्चन घुमा के है, बात एक ही है। ठीक है, आंसर इज अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज अ रामचंद्र पौदेल इलेक्टेड एज अ थर्ड प्रेसिडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च? आंसर इज नेपाल। इन विच कंट्री है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान
अल थानी बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर रोमानिया मॉरिशियस पोर्चुगल और कतर. द आंसर इज कतर. कतर भी एक अमीरात है विच इज रूल्ड बाय द अमीर ऑफ कतर और ये डेजर्ट है कंट्री पूरी की पूरी, लेकिन ऑयल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत आयत है. तो वहीं पर अभी वर्ल्ड कप भी हुआ था कतर में. हु इज एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट एंड विल ऑपरेट वंदे भारत? शिखा मल्होत्रा, सुरेखा यादव, किरण यादव और प्रीति मिश्रा. द आंसर इज सुरेखा यादव. और सुरेखा यादव की अगर हम बात करते हैं तो यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे. तो उन्हीं में से जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन की जो वुमेन लोको पायलट है उनका नाम है सुरेखा यादव. आगे आ जाओ. विच इंटरनेशनल बैंक अपॉइंटेड फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट दिल्मा वाना रोसेफ एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट? एडीबी, एनडीबी, एआईबी और वर्ल्ड बैंक. द आंसर इज एनडीबी. अभी एनडीबी है क्या? इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक फंडेड बाय ब्रिक्स नेशन, यानी ब्रिक्स नेशन का एक अपना बैंक इन्होंने बनाया हुआ है. और ये कब बना था? सिक्स ब्रिक्स समिट में जो कि 2014 में हुई थी. ठीक है. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानों की बात करती है कि ब्रिक्स नेशन में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं. 12 बिलियन की बात हुई थी लेकिन 2 बिलियन ही अभी तक इन्होंने डिस्बर्स किया है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत आती है. इसकी हेडक्वार्टर है शंघाई और चाइना में, शंघाई में चाइना में. ठीक है. और इसमें सबसे बड़ी बात है इट विल बी अ वेरी गुड ब्लॉक अगर कहीं चाइना और इंडिया अपना इश्यूज साइड में रखें तो. तो अगर चाइना सुधर जाता है तो ब्रिक्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा तो वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट मिल जाएगा दुनिया के लिए. विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज कन्फर्म्ड हमजा यूसुफ एज द फर्स्ट न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो ये स्कॉटलैंड है. अब आज की डेट में अगर आप देख रहे हैं तो स्कॉटलैंड को फर्स्ट मिनिस्टर इसको घोषित कर दिया गया है जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं स्कॉटलैंड में. और स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं बार बार रेफरेंडम कर रहा है अलग होने के लिए फ्रॉम यूके, और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन हैं. तो एक दौर वो था जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आके इंडिया पाकिस्तान में बांट के चले गए. आज इंडिया पाकिस्तान वाले वहीं पे दोनों के हेड हैं. समय का पहिया है. हु वॉज सोन इन एज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली? कैमिला वेलेजो, इज़किया शिकिंस, मारियो मार्केल और गैब्रियल बोरिक फॉन्ट. द आंसर इज गैब्रियल बोरिक फॉन्ट. आगे चलें. और इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये चिली है. चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है. ठीक है. सैंटियागो इसकी कैपिटल है. और अगर आप इसको देख रहे हो तो ये चिली जो है अर्जेंटीना एक तरफ, बोलीविया एक तरफ, पैराग्वे एक तरफ और पेरू ऊपर से एक तरफ, ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं. ठीक है. यहाँ पर आपका एटाकामा डेजर्ट है विच इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट. आगे चलें. इन विच सिटी स्पोर्ट्स में पहुँच गए हैं? दोस्तों अगर आपने इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है प्लीज़ कम टू द मॉक टेस्ट पेज ऑफ आर साइट और वहाँ पे आके हम प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस करने के लिए ग्लैडिएटर डिफेंस एकेडमी की साइट पे जाइएगा, वहाँ पर जाके आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. इन विच सिटी ओपन एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट डिड द इंडियन पेयर अनिरुद्ध चंद्रशेखर एंड एन विजय सुंदर पार्श्वनाथ स्टॉर्म इनटू डबल फाइनल? भोपाल, कानपुर, सूरत और बेंगलुरु. ठीक है. द आंसर इज बंगलुरु. तो ये चैलेंजर इसका एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स. द चैलेंजर टूर इवेंट्स आर द सिंगल हाईएस्ट टायर ऑफ द टेनिस कॉम्पिटिशन बिहाइंड एटीपी टूर. तो एटीपी यानी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ये मैचेस करवाते हैं. ऑस्ट्रेलियन मैक्स पोकेल डिफीटेड ऑस्ट्रेलियन जेम्स इन सिंगल्स. डबल्स में साउथ कोरिया के चुंग यून सियोंग और चाइनीज ताइपे के हुसु यू सियू डिफीटेड, इन दोनों को फाइनल में हरा दिया गया था. तो ये जग गए जरूर थे लेकिन आगे जाके इनको हरा दिया गया था भाई अनदर पेयर. फॉर हाउ मेनी ईयर्स इंडियन ट्रिपल जंपर ऐश्वर्य बाबू हैज बीन बैंड बाय नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? आंसर इज 4 साल. ठीक है. तो इनको कहीं शोल्डर इंजरी हुई थी इसलिए इन्होंने कोई अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दवाई खाई थी जिसकी वजह से ये डोप टेस्ट में आ गए. हु बिकेम इंडियाज 81st ग्रैंड मास्टर? द आंसर इज सयांतन दास, विशी आनंद, कौस्तुभ चटर्जी और विघ्नेश आर. द आंसर इज सयांतन दास.
ठीक है। अब ये ग्रैंड मास्टर होता क्या है, ग्रैंड मास्टर एक FIDE जो कि चेस को रेगुलेट करती है वो टाइटल्स देती है बेसिकली, ठीक है। तो वो कौन कौन से टाइटल देती है, वो टाइटल देती है जैसे आपके ग्रैंड मास्टर, वो लाइफ लॉन्ग टाइटल होगा कि अगर किसी को उसने ग्रैंड मास्टर बोल दिया तो वो टाइटल उसके साथ उम्र भर रहेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मास्टर, फाइड मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, वुमेन ग्रैंड मास्टर, वुमेन इंटरनेशनल मास्टर, वुमेन फीड मास्टर एंड वुमेन कैंडिडेट मास्टर, ये कुछ टाइटल्स और भी देती है। तो अगर आप कभी भी ग्रैंड मास्टर समझ रहे हो तो ग्रैंड मास्टर का मतलब ये आ जाएगा कि एक टाइटल दिया गया है जो कि FIDE ने दिया है। आगे कर्नाटका ने मेघालय को 3-2 में संतोष ट्रॉफी में हरा दिया, ठीक है, इन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। कितने सालों के बाद हराया, वो है 54 ईयर्स, ठीक है। संतोष ट्रॉफी क्या है, फुटबॉल का नॉकआउट कॉम्पिटिशन है दोस्तों। कहाँ पर होता है, कब कब होता है, साल में एक बार होता है, 31 टीम्स होती हैं और रीजनल स्टेट एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको करते हैं। 1941 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसका नाम सर मनमथा नाथ रॉय चौधरी ऑफ संतोष, द प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन में बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था, वो इसके हेड थे। तो संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अंदर आती है। हु वॉन सीजन ओपनिंग एट द बैरन ग्रैंड प्री, मैक्स वेस्टरपेन, ठीक है। तो मैक्स वेस्टरपेन जो है इन्होंने ये जीता था। अब हम ये देखेंगे कि इस साल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सीजन्स होते हैं, ये जितने भी आपके पास ये जो ये होती है इवेंट होता है, इसको हम कहते हैं फार्मूला वन। फार्मूला वन में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ट्रैक होते हैं, मिनिमम डिस्टेंस इसका 300 किलोमीटर्स का होता है और जितने भी ट्रैक्स होंगे उन ट्रैक्स के ऊपर हम ग्रैंड प्री का नाम दे देते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बहरेन ग्रैंड प्री, तो ये फार्मूला वन के अंदर बहरेन के अंदर रेस हुई थी और बहरेन ग्रैंड प्री में ये बंदा जीता था। तो ऐसे तकरीबन 19 या 20 ग्रैंड प्री होंगे और उसके बाद लास्ट में चैंपियन निकालेंगे फार्मूला वन का। तो फर्स्ट जो सीजन था, ये जो अभी सीजन चला, वो बहरेन ग्रैंड प्री का था। उसके बाद दूसरा जो था सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्री का था और सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्री 2023 में हुआ था और ये सेर्गियो प्रेस ये इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, हु वॉन जूनियर कबड्डी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2023 टाइटल, जापान, फ्रांस, इंडिया और रशिया, द आंसर इज इंडिया। सेकेंड एडिशन ऑफ जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप कंक्लूड इन 4th March 2023 इन उर्मिया ईरान ऑन सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है। विच गेम डज एकता बयान बिलोंग टू, एकता बयान जो है डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, ये पैरा एथलीट है जिनके अभी हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द वुमेन्स क्लब डिस्कस थ्रो और उन्होंने इंडिया को 2018 में एशिया पैरा गेम्स में जकार्ता में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। आगे आ जाओ, विच डिस्ट्रिक्ट विल द ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शूटिंग कॉम्पिटिशन बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, इंदौर, जोधपुर, बीकानेर या भोपाल, द आंसर इज भोपाल। विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, स्टीव स्मिथ, शॉन मार्श, टॉड मर्फी और नेथन लियोन, द आंसर इज शॉन मार्श। इन विच कंट्री डिड अक्षदीप सिंह वॉन गोल्ड इन द मेन्स 20 किलोमीटर एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, जापान, चाइना, भूटान, नेपाल, द आंसर इज जापान। इन विच ईयर डिड रेस्ट ऑफ इंडिया विन द फाइनल ऑफ द ईरानी कप, इन 2022-23 रेस्ट ऑफ इंडिया जो था वो जीत गया था ईरानी कप, जो है ऑल्सो नोन एज द मास्टर कार्ड ईरानी कप, क्योंकि उसको मास्टर कार्ड इसको स्पॉन्सर कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। BCCI इसको ऑर्गेनाइज करता है और ये एनुअली होता है बिटवीन द विनर ऑफ रणजी ट्रॉफी, जो रणजी ट्रॉफी में जीतेगा, और रेस्ट ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, इनके बीच में ये टूर्नामेंट होता है स्पोर्ट्स का। आगे आ जाओ, विच गेम डिड सरबजोत सिंह बिलोंग टू, सरबजोत जो है ये चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के DAV के पड़े हुए हैं और ये बिलोंग करते हैं शूटिंग के लिए और इन्होंने सरबजोत ने 2021 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन द टीम एंड मिक्स इवेंट कैटेगरीज में डिफिटेड अजरबैजान रुस्लान लुनेव, तो इनकी जो बुलजाई हिट किया है इन्होंने अपने इसमें, तो ही वॉज अ वेरी प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल, आगे भी आपको करंट अफेयर्स में इनका काफ़ी नाम सुनने को मिलेगा। आगे आ जाओ, स्वास्तिक साईराज रंकी रेड्डी बिलोंग्स टू विच सपोर्ट, द आंसर इज बैडमिंटन, बैडमिंटन में ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सो डू रिमेंबर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी,
Which team won the first season of Women Premier League played at a Barbon Stadium in Navi Mumbai? Delhi Capitals, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders or Chennai Super Kings? The answer is Mumbai Indians. Who won the gold in 48 kg category of the IBA Women World Boxing Championship? इसके लिए आंसर इज नीतू घंघस जिन्होंने ये जीता है. नेक्स्ट, विच गेम डू धनुष एंड ज्योश्ना बिलोंग टू? ये दोनों किस चीज के लिए है? आंसर इज वेट लिफ्टिंग. ठीक है, और इन दोनों ने मतलब दे हैव वॉन द मेडल्स लाइक ब्रॉन्ज मेडल इन द IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप. तो ये भी इंडिया का बहुत ब्राइट फ्यूचर है. विच प्लेयर हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सॉकर ड्यू टू इंजरीज? तो मेसूत ओजिल है जिन्होंने रिटायरमेंट की है. ये जर्मन फॉर्मर प्रोफेशनल फुटबॉलर कहलाए जा रहे हैं. नेक्स्ट, वेयर विल बी द 38th नेशनल गेम्स ऑफ विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 2024? द आंसर इज उत्तराखंड. तो उत्तराखंड में ये अगली जो है आपकी ये नेशनल गेम्स होंगी. सो दोस्तों, दिस वॉज दिस करंट अफेयर्स. और इस करंट अफेयर्स में हमने जिन टॉपिक्स को कवर किया है वो टॉपिक्स हमारे पास हैं, जैसे डिफेंस है, डिफेंस को हमने कवर कर दिया है, बायोडाइवर्सिटी को हमने कवर कर दिया है, ऑबिचुरीज को हमने कवर कर दिया है, पीपल इन न्यूज़ को हमने कवर कर दिया है. इन सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं दोस्तों. और अब मैं आपके साथ फिर से वही कह रहा हूँ कि हमारे पास कुछ टॉपिक्स और बच गए, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, रैंक्स एंड इंडेक्सेस हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया, और मिसलिनियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम कवर करेंगे इन माय नेक्स्ट पार्ट. तो तब तक इस वीडियोस को देखिए, डू मग इट अप एंड इसको कंबाइन करिएगा जो शीट्स जो ग्लैडियस मैगजीन हमारी आती है उसके साथ कंबाइन करिएगा. आई कैन एश्योर यू आप कभी भी अपने मार्च के इसमें कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन अगर आप इन सारे को चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हो. विद दिस आई कंक्लूड माई वीडियो. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.